हाय गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 अप्रैल तक के सभी करंट अफेयर्स एम का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं याद रखें कि इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स एम देख सकते हैं साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पी वीकली पी और मंथली पी चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि जो भी हमारा पी डी है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा तो यदि आप हमारा पी कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्ट करंट अफ़ेयर्स फंडा ऐप से इस पीडीएफ कोर्स को बाय कर सकते हैं कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इज ऑब्जर्वड एवरी ईयर ऑन विच डे मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है ऑप्शन डी हुतान्वेंटी थर्ड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के तेईसवें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है ऑप्शन आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन डी है शहबाज शरीफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यू आई डी ए आई है साइंड एन यू विद विच एजेंसी फॉर टेक्निकल कोलेबोरेशन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने तकनीकी सहयोग के लिए इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर ऑप्शन ए है दी फर्स्ट एवर एन टी सी ए मीटिंग आउटसाइड नेशनल कैपिटल हेल्ड इन विच स्टेट राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पहली बार एन टी सी ए की बैठक अरुणाचल प्रदेश में हुई है ऑप्शन डीज द राइट आंसर ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ड लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर इन विच स्टेट ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपना पहला किराना पूर्ति केंद्र ये आसाम राज्य में खोला है फ्रेंच फर्म एलडीसी एंड विच बैंक है हंड्रेड मिलियन यू एस टोल लोन पैक्ट टू हेल्प स्मॉल होल्डर फार्मर्स इन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रांसिसी फर्म एल डीसी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत और पाकिस्तान सहित देशों में छोटे किसानों की मदद करने के लिए सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द मेवरिक इफेक्ट मेवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक हैं हरीश मेहता ऑप्शन ए हु अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन स्पॉन्सर्सिड्रेटेड बाय से गठित प्रायोजकों पर कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में ए बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर न्यू एप विच ब्रिंग्स टूगेदर ग्रोसरी टू होटल टू एयरलाइन टिकट बुकिंग एंड मेडिसिन बाइंग ऑन अल प्लेटफॉर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी नियो एप जो एक ही प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी टू होटल टू एयरलाइन टिकट बुकिंग और दवा खरीद को एक साथ लाता है ये टाटा ग्रुप का प्रोडक्ट है द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने उत्तराखंड राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है

भारत सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी और मंगोलिया के वित्तीय नियामक आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है विच कोर्ट ऑर्गेनाइज द नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिएशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गुजरात हाई कोर्ट ने मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया है नेम द एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाई डी आर डी ऑन अप्रैल इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैरीना यह ग्यारह अप्रैल दो हजार बाईस को डी आर डी ओ द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है हु has अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यू पी एस सी तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है विच ऑफ द हैज इनिशिएटेड अवसर स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो ए आई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वयं सहायता समूहों के लिए अवसर योजना शुरू की है फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वीमेन आर्चरी टूर्नामेंट हेल्ड इन विच स्टेट पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तिरंदाजी टूर्नामेंट ये झारखंड राज्य में आयोजित किया गया है विच स्टेट हैज लॉन्च वन जीरो सिक्स फोर एंटी करप्शन मोबाइल ऐप उत्तराखंड राज्य ने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है विच स्टेट लॉन्च स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश राज्य ने स्कूल चलो अभियान शुरू किया है सही आंसर ऑप्शन सी है के यू केन ऑफ फ्लावर गार्डन वेयर द इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद नेम्ड अ न्यू ब्रिड ऑफ येलो ट्यूलिप्स मैथ्री इज लोकेटेड इन विच कंट्री सो क्यू कैन ऑफ फूल उद्यान जहां भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप की एक नई नस्ल का नाम मैत्री रखा है यह द नीदरलैंड्स में स्थित है इंडिया एंड विच बैंक साइंड अ टू मिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए दो मिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं सही आंसर ऑप्शन बी है पिना का रॉकेट सिस्टम हैज बिन डेवलप्ड बाई पिनाका रॉकेट सिस्टम यह आपका आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा डेवलप किया गया है तो हाल ही में डीआरडीओ इंडियन आर्मी ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पिनाका मार्क वन इनहेंस रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनाइल म्यूशन रॉकेट सिस्टम यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी चेयर द जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एट विच प्लेस केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने गुवाहाटी में राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है आई एफ एस सी एंड जी वी एफ एल लिमिटेड है इंडियन एम ओ यू एट आई एफ एस सी एस ऑफिस एट गिफ्ट सिटी जी वी एफ एल स्पेस्ड इन विस सिटी आई एफ एस सी ए और जी वी एफ एल लिमिटेड ने गिफ्ट सिटी में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है जी वी एफ एल अहमदाबाद में स्थित है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्वीन ऑफ फायर क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक की लेखिका है देविका रंगाचारी इंडिया विल होस्ट द एशियन जूनियर अंडर अंडर एंड एंड वीमेन कैडेट रंगाचौरी बॉयज एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप इन विच सिटी भारत एशियाई जूनियर अंडर ट्वेंटी पुरुष और महिला और कैडेट अंडर सेवनटीन लड़कों और लड़कियों की तलवारबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी अहमदाबाद में करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म कवर स्टेक टू प्रोवाइड इंश्योरेंस तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बीमा प्रदान करने के लिए बीमा प्लेटफॉर्म कवर स्टेक के साथ भागीदारी की है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द थर्टीथ कंट्री टू जो एन कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका रेजिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है चार्ल्स तो लेक ने मेड इन इंडिया टू टू एट एयरक्राफ्ट अंडर टुक इट्स फर्स्ट कमर्शियल एविएशन फ्लाइट फ्रॉम आसाम डिब्रूगढ़ टू पासीघाट ऑफ विच स्टेट मेड इन इंडिया डोर्नियर टू टू एट विमान ने आसाम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश राज्य के पासीघाट तक अपनी पहली वाणिज्यिक विमानन उड़ान भरी है बैंक हैज अ मिलियन डॉलर पार्शियल गारंटी पैक्ट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट सप्लाई चैन फाइनेंसिंग सो एक्सिस बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एडीबी के साथ वन फिफ्टी मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंशिक गारंटी समझौता किया है विच स्टेट हैज द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड वन नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड वन में गुजरात राज्य शीर्ष पर रहा है आई सी सी मैं मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू मार्च दो हजार बाईस के लिए आईसीसी मैं प्लेयर ऑफ द मंथ है बाबर आजम और वीमेन कैटेगरी में है ऑस्ट्रेलिया की रेशल हाइनिस विज बैंक हैज लॉन्च्ड विकास श्री संपत् वन 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 स्कीम सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने विकास श्री संपत्त डबल वन डबल वन योजना शुरू की है होम होम मिनिस्टर मिनिस्टर यूनियन अमित शाह द सीमा दर्शन टूरिज्म प्रोजेक्ट इन स्टेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में सीमा दर्शन पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है द इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन द लेटेस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क थ्री इन भारतीय तटरक्षक बल ने भुवनेश्वर में नवीनतम उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर मार्क थ्री स्कवाड्रन को चालू किया है डे डे 2022 2022 इज ऑन तो विश्व दिवस ये एक 11 ये अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप वेयर इंडिया वन मेड एन विमेन्स डबल्स एंड डबल्स टाइटल हेल्ड एट विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप जहां भारत ने पहली बार महिला युगल और मिश्रित युगल खिताब जीते इसे ग्लास्को में आयोजित किया गया वर्ल्ड चगास डिजीज डे इज ऑब्सर्व ऑन विच डे तो विश्व चगास रोग दिवस ये चौदह अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्रीज आर्मी फॉर फेस टू ट्रेनिंग ऑन चेतक हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर दूसरे चरण के प्रशिक्षण के लिए नाइजीरिया देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं हिम प्रहरी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड राज्य से संबंधित है।, है रिया जेरोन ने कॉन्स्टिट्यूशन शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्रोवाइड इंक्लूजन ऑफ डार्लोंग कम्युनिटी एज सब ट्राइब ऑफ द कुकी ट्राइब इन द लिस्ट ऑफ एस इन विच स्टेट संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 त्रिपुरा राज्य में एस की सूची में कुकी जनजाति की उप जनजाति के रूप में डार्डोंग समुदाय को शामिल करने का प्रावधान करता है विच आई आई टी लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कॉल्ड कदम सो so, आई आई मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलिसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है जिसे कदम कहा गया है मुंबई एंड विच अदर सिटी हैव बीन ज्वाइंटली रिकॉगनाइज एज ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त रूप से दो हज़ार इक्कीस ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है विच एडिशन ऑफ द टू प्लस टू मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड दूनाइटेड स्टेट्स वॉज हेल्ड ऑन अप्रैल इलेवन टी ट्वेंटी डी सी भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच टू प्लस टू मंत्री स्त्रीय संवाद का चौथा संस्करण ग्यारह अप्रैल दो हजार बाईस को वाशिंगटन डी सी में आयोजित किया गया ऑप्शन सी

हु विल बी ऑनर्ड विद द इनोग्रल लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जाएगा द गवर्मेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस टू सेट अप हाउ मैनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन द कंट्री भारत सरकार ने देश में पिचहत्तर डिजिटल बैंकिंग इकाइयें स्थापित करने की घोषणा की है द माधवपुर घेट फेयर वॉज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट माधवपुर घेड़ मेला गुजरात राज्य में आयोजित किया गया हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव बीन कन्फर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड्स फॉर द ईयर 2018 वर्ष 2018 के लिए चवालीस कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नेम द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट फॉर 2021 ट्वेंटी वन एज पर द सर्वे ऑफ एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के सर्वेक्षण के अनुसार 2021 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे का नाम है एटलांटा जी यूएस विच इंडियन पी एस यू हैज वोन द गोल्ड मेडल एट एक्च अवार्ड इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी तो भारतीय पी एस यू एन एम डी सी ने सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में अस्सीवें स्कोच पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीता है वट अमाउंट हैज बीन अनाउंसड बाई यू एन डी पी एंड पार्टनर्स ऑफ द एडेप्टन इनोवेशन मार्केट प्लेस एस क्लाइमेट एक्शन ग्रांड्स फॉर ट्वेंटी टू लोकल इनोवेटर्स अक्रॉस नाइनटीन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया यू एन डी पी और एडोप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लेस ने मार्केट प्लेस के भागीदारों द्वारा भारत सहित उन्नीस देशों में 22 स्थानीय नवोन्मेषकों के लिए जलवायु कार्रवाई अनुदान के रूप में 2.2 मिलियन यूएस मिलियन राशि की घोषणा की गई है एज पर द डेटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाउ मैनी पेटेंट्स वर फाइल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दो हजार -20 में छियासठ पेटेंट दायर किए गए करंट फिजिकल ईयर एज पर दर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के अनुसार भारत को चालू वित्त वर्ष में आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर ओपन चेस टूर्नामेंट तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा इन्होंने रेक्साविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है हु हैज बीन नेमड इंडियाज G20 चीफ कोऑर्डिनेटर भारत के G20 मुख्य समन्वयक के रूप में नामित किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द ICC क्रिकेट कमेटी एज द मेंबर बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है हु हैज बीन अवार्डेड विद द EY इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 इंडिया ऑफ़ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है फाल्गुनी नायर को व्हाट वब्ल्यू टी ओज ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022 के Week, 88, 2022. 2022 के लिए विश्व व्यापार संगठन की वैश्विक व्यापार मात्रा वृद्धि का पूर्वानुमान है तीन प्रतिशत ऑप्शन ए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने वित्तीय दो हजार बाईस के लिए अपने परिसंपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य रूपीज एटी एट थाउजेंड करोड़ को पार कर लिया है फॉलोइंगम टू रिकॉगनाइज द लीगल राइट इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स तो इक्वेडोर जंगली जानवरों के कानूनी अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है इकबाल सिंह लालपुरा इज द चेयरपर्सन ऑफ विच कमीशन इकबाल सिंह लालपुरा ये नेशनल कमीशन फॉर माइनोरिटीज के अध्यक्ष हैं रीअपॉइंट किए गए हैं the first introductory meeting of all women ambassadors group held in एम्बेसडर्स city सभी महिला राजदूतों के समूह की पहली परिचयात्मक बैठक ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित हुई है विश्व मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज अमृत समागम कॉन्फ्रेंस तो अमृत समागम सम्मेलन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा आयोजित किया गया सर रिचर्डली मेडल सर रिचर्ड हेडली पदक जीता है टीम साउदी न्यूजीलैंड के बॉलर हैं ज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्टोसी ट्वेंटी ट्वेंटी वन को स्ट्रोक दो हजार इक्कीस के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भूषण कुमार को अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड टू बी रिड्यूस्ड बाई फोर्टी थ्री परसेंटेज बाई द्वेंटी थर्टी सो दैट वार्मिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर इज लिमिटेड टू अराउंड वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस कैबिनेट अप्रूव्ड एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द एरिया ऑफ डिसट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैबिनेट ने विकेंद्रीकृत घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन को आ, मंजूरी दी है कैबिनेट अप्रूव्ड अ बायलेट्रल एम ओयू बिटवीन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड मनी सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ विच कंट्री कैबिनेट ने भारतीय प्रतिबूधि और विनिमय बोर्ड यानी कि और कनाडा के मैरिटोबा सिक्योरिटीज कमीशन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। illegal, भारत और सिंगापुर ने अवैध गैर रिपोर्टेड और अनियमित पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कार्यशाला का आयोजन किया है इंडियन एयरफोर्स साइडाम एफर्ट्स फॉर आत्मनिर्भर भारत भारतीय वायुसेना ने आत्मनिर्भर भारत के स्वदेशीकरण के प्रयासों में तेजी लाने के लिए आई आई टी मद्रास के साथनवेल्थ गेम्स दो हजार छब्बीस राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान शहर है विक्टोरिया स्टेट ऑस्ट्रेलिया में है वो याद रखेंगे विक्टोरिया स्टेट हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर मालकॉम आदिशेषिया अवार्ड 2022 ट्वेंटी टू सो मेलगम आदिशीष्य पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है प्रभात पटनायक को नेम द न्यू वेब पोर्टल डिजाइन बाय द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद इंश्योरेंस कंपनीज दैट विल प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन रोड एक्सीडेंट्स विद अ फ्यू क्लिक्स एंड हेल्प एक्सेलरेट एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम्स तो बीमा कंपनी के परामर्श से सरकार द्वारा डिजाइन किया गया नया वेब पोर्टल है ईंटर e जो कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटनाओं पर तत्काल जानकारी प्रदान करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा विसिटी बेस्ड वन टू वन फाइनेंस हैज रिसिव द आरबीआई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू फंक्शन एज एन बी एफ सी फैक्टर सो जयपुर स्थित वन टू वन फाइनेंस को एनबीएफसी फैक्टर के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड विच बैंक द स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू इंडियन एज वेल एज ग्लोबल बिजनेसेस गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन और आई बैंक ने भारतीय और वैश्विक व्यवसाय के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं विच बैंक हैज़ गॉन लाइव ऑन द इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेट वे आइस गेट टू इनेबल ऑनलाइन पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी फॉर इट्स कस्टमर्स अपने ग्राहकों के लिए सीमा शुल्कें ऑनलाइन भुगतान को सक्षम करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे पर लाइव हो गया है इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अचीव द टारगेटेड टू फिफ्टी बिलियन यूएस डॉलर ड्यूरिंग अप्रैल टू मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी टू कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूशन ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को एक अप्रैल दो हजार बाईस से इकतीस मार्च दो हजार छब्बीस तक जारी रखने की मंजूरी दी है विच एडिशन ऑफ इंडियन नेवी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी नेवी टू नेवी स्टाफ टॉक्स वेल्ड एट न्यू डेली सो भारतीय नौसेना रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना नेवी टू नेता का चौदवा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है विच री स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एमओयू विद बीपीसीएल फॉर डेवलपिंग रेन्यूबल एनर्जी प्लांट सो उड़ीसा सरकार ने अक्षय ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए बीपीसीएल के साथ समझौता ज्ञापर पर हस्ताक्षर किए हैं BPCL has partnered with which country for cloud AI technologies BPCL ने cloud AI तकनीकों के लिए Microsoft के साथ साझेदारी की है The International Delphi Council based in which country announced the National Delphi Games in India to be hosted in 2023 so जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेलफिक परिषद ने 2023 में भारत में राष्ट्रीय डेलफिक खेलों की मेजबानी करने की घोषणा की है Mithun Majunath is associated with which sport Mithun Majunath का संबंध बैडमिंटन से है ऑलियन मास्टर्स 2022 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इंडिया विल होस्ट स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन विच ईयर भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी 2030 में करेगा व्हिच डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म हैज जॉइंट हैंड्स विद एक्सट्रीम आईएक्स टू इनेबल अ फास्टर डिजिटल पेमेंट्स एक्सपीरियंस तेजी से डिजिटल भुगतान अनुभव को सक्षम करने के लिए फोन पे ने एक्सट्रीम आईएक्स से हाथ मिलाया है The foundation stone for India line of credit funded IT high tech park was laid in which country? India line of credit द्वारा वित्तपोषित IT high tech park के आधारशिला बांग्लादेश में रखी गई है। Who has been appointed as the next chief of the Indian Army? भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडे हो। In which state did Prime Minister Narendra Modi virtually unveil a 108 foot long statue of Lord Hanuman? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भगवान हनुमान की 108 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है द गवर्नमेंट हैज इनहेंस्ड ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ थ्री पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस एन आई सी एल ओ आई सी एल यू आई आई सी दिस विल फैसिलिटेट कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ हाउ मच करोड़ इन दीज कंपनीज सरकार ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों एन आई सी एल ओ आई सी एल और यू आई आई सी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की है इससे इन कंपनियों में पाँच हजार करोड़ रुपए का पूंजी प्रवाह होगा

टाटा ए आई ए लाइफ इंश्योरेंस ने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ भागीदारी की है मशरेक एनआर in संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के लिए एनआर खाता खोलने की सुविधा के लिए मशरेक नियो ने फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की है विच पेमेंट्स बैंक विल बाय ट्वेल्व पॉइंट वन नाइन परसेंट स्टेक इन न्यू डेली बेस्ड फिनटेक पेज प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड सो फिनो पेमेंट्स बैंक ने नई दिल्ली स्थित फिनटेक पेस प्राइवेट लिमिटेड में बारह दशमलव एक नौ प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी स्वानिधि से समृद्धि लॉन्च इन एडिशनल हाउ मेनी सिटीज तो जो स्वानिधि से समृद्धि ये जो योजना है इसको अतिरिक्त 126 शहरों में लॉन्च किया गया है विस्ट टीम वॉन सेवेंटी फर्स्ट सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप सो तमिलनाडु ने इकत्तरवीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है बीस कंट्री है सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम सो इसराइल ने आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया डिक्लाइंड बाय हाउ मच परसेंट पॉइंट्स ड्यूरिंग ट्वेंटी इलेवन टू ट्वेंटी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार दो हजार ग्यारह से दो हजार उन्नीस के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में बारह दशमलव तीन प्रतिशत अंक की गिरावट आई है पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसई सुंदरराजन इनोग्रेटेड द पुडुचेरी फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल आईसी पौडी ट्वेंटी ट्वेंटी तो टू द पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसई सुंदरराजन ने पुडुचेरी के पहले समुद्र तट महोत्सव आईसी पौंडी ट्वेंटी ट्वेंटी का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द्री डे ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट इन विच स्टेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में तीन दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर द इनोग्रेटेडी एडिशन ऑफ द हार्ट दुनर मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में हार्ट के चालीसवें संस्करण का उद्घाटन किया है विच कंट्री हैज लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया सो इंडोनेशिया ने भारत से कृषि उत्पादों पर से निलंबन हटा लिया है विच एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस ज्वाइंट स्टाफ टॉक्स

टू पॉइंट वन सेवन करोड़ बीमा पॉलिसियां बेची हैं हु हैज़ हैजिन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में विक्रम देव को नियुक्त किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट्स पार्टनर फॉर प्रधानमंत्री संग्रहालय सो पेटीएम प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार है हु हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट बैंगलुर एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंडस्ट्री सो राकेश मोहन जोशी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं वट इज़ इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फिजिकली ट्वेंटी थ्री स्पर्धा आई एम एफ आई एम एफ के अनुसार फिजिकली ट्वेंटी थ्री के लिए भारत का विकास अनुमान एट पॉइंट टू परसेंट है प्रफुल्ल कार द म्यूजिशियन ऑफ विच लैंग्वेज प्रफुल्लकार जिनका हाल ही में निधन हो गया ये उड़िया भाषा के संगीतकार थे इंडिया सुगर एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 291 सिंस बायस दो हजार 2013-14 के बाद से भारत का चीनी निर्यात दो सौ इक्यानवे प्रतिशत बढ़ा है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑर्गेनाइज स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन इवेंट इन ईवेंटिटी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सूरत में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण कार्यक्रम आयोजित किया है विच स्टेट हैज अपॉइंटेड रोबिन उथप्पा एज ब्रांड अम्बेस्डर फॉर ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव सो कर्नाटक राज्य ने रोबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड अम्बेस्डर नियुक्त किया है इन अप्रैल 2022, ट्वेंटी टू इंडिया हैज बिन इलेक्टेड ऑन हाउ मनी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज अप्रैल दो हजार बाईस में भारत को चार संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद निकायों में चुना गया है साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्ट्रेन के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक यू गाइस